दोस्तों, आज हम जानेंगे गाबा न्यूरोन एंटी टैबलेट के बारे में, जिसका मेनली यूज न्यूरोपैथिक पेन में किया जाता है। लेकिन ये न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है और इसका क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, इसकी क्या डोज रहती है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, गाबा न्यूरोन एंटी का जो कंपोजिशन होता है वो होता है गाबापेंटिन और नोट्रिप्टाइलिन। इसमें जो गाबापेंटिन होता है वो 300 mg में होता है और नोट्रिप्टाइलिन 10 mg होता है। और दोस्तों, एक टेबलेट और आती है जो कि है गाबा न्यूरोन एंटी 100, उसमें गाबापेंटिन 100 mg होता है और नोट्रिप्टाइलिन 10 mg। बस दोनों में इतना ही फर्क होता है गाबापेंटिन के डोज में, और जो ये दोनों चलती है वो डोज पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम जान लेते हैं न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है। न्यूरोपैथिक पेन एक लंबे वक्त तक चलने वाला दर्द होता है। यह दर्द ज्यादातर नर्व फाइबर्स के डैमेज होने या उनके सही से काम नहीं कर पाने के कारण होता है। मतलब कि जो नसें होती है वह डैमेज हो जाती है, जिसके कारण आपको नसों में दर्द होता है। और यह दर्द आपको किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी जगह चालू होकर पूरे शरीर में हो सकता है। जैसे कि मान लो कमर में दर्द हुआ हो तो यह धीरे धीरे बढ़कर आपके पैरों तक जा सकता है। तो इस कंडीशन को ठीक करने के लिए टेबलेट का यूज किया जाता अब है। जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफेक्ट्स में आपको चक्कर आ सकते हैं, नींद आ सकती है, थकान हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है और आपका मुंह सूख सकता है। ये कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, शिजोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, सीजर्स आते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को अवश्य बताएं, क्योंकि इन कंडीशन में या तो इस टैबलेट को अवॉइड किया जाता है या फिर हो सकता है कि ऐसी कोई टैबलेट आपके पहले से चल रही हो। अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में, इसकी क्या डोज होती है। तो दोस्तों, इस टैबलेट को ज्यादातर डॉक्टर आपको रात को खाना खाने के बाद सोते समय लेने की सलाह देते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।